नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 कोल्डिया बस डिपो के समीप जमीन विवाद को लेकर शनिवार को दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। मामला इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्ष की ओर से पथराव शुरू हो गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी सदल बल मौके पर पहुँच कर स्थिति को नियंत्रित किया। मारपीट और पथराव की घटना में महिला समेत दो घायल है। महिला का सिर भी फट गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बताया गया कि बस डिपो की जमीन को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। आज फिर से जमीन के नापी करने के लिए दीपक जायसवाल उर्फ डिलो यादव, कंपू यादव उक्त जमीन पर पहुंचे थे। घायल मीना देवी ने बताया कि दीपक जायसवाल व अन्य लोग जबरदस्ती जमीन को घेरने के इरादे से लगभग 500 हथियार से लैस लोगों के साथ जमीन पर पहुंचे थे। इस दौरान मेरे सर पर वार किया। इस बाबत राजकुमार यादव का कहना है कि भुवनेश्वर यादव व धनश्याम यादव के नाम से केवाला से हासिल किया गया है, लेकिन जबरदस्ती लगभग 50 डिसमिल जमीन माफियों द्वारा कब्जा के इरादे से पहुंचा था, जिसका विरोध करने पर पत्थरबाजी की गई। इधर दूसरे पक्ष के दीपक जायसवाल का कहना है कि यह उनका पुश्तैनी जमीन है। हम लोगों ने प्रशासन और सरकारी अमीन की उपस्थिति में जमीन का नापी करवा रहे थे, इसी दरमियान हमला किया गया। कंपू यादव का कहना है कि वहां के वार्ड पार्षद कमल सिंह राजू यादव समेत अन्य लोग 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का जमीन पुश्तैनी है। काफी देर तक चले झड़प के बाद पुलिस को भारी मशक्कत कर झड़प को शांति किया कि हम लोगों के पास जिससे हम जमीन का एग्रीमेंट लिए लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट से लेकर ऑनलाइन रसीद तक अंचल से निर्गत किया गया और सरकारी अमीन को बहाल करा करके हम लोग वहाँ जमीन पर उतरे थे। और जो मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही एकदम बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। चूँकि वहाँ पर सरकारी अमीन बहाल था और पुलिस प्रशासन के देखरेख में वहाँ नापी कराया जा रहा था। हम वहाँ पैसा लगाए हुए हैं तो हम अपने जमीन पर लड़ाई क्यों करने के लिए जाएं? ये सारा का सारा वहाँ का रचयिता वार्ड पार्षद कमल सिंह है, राजू यादव है, टुक्कन है, किशोर भुइयां है, वो लोग का कहना है कि ये जमीन में हम लोग को पार्टनर रखिए, नहीं तो 20 लाख रुपया दीजिए तब आप लोग को यह काम करने के लिए देंगे। और जब हम लोग इनकार किए तब ये लोग पहले 21 तारीख को हम लोग जमीन के नापी के लिए उतरे थे। 21 तारीख को वो लोग बोला कि गांव में हमारा मोहल्ला में शादी है, चचेरा भाई का राजू यादव, सो 25 तारीख को नापी रखिए। तब उस बीच में 23 तारीख को पेपर जमा करना था दोनों पक्ष का, सरकारी अमीन के द्वारा लिखाया गया दोनों पक्ष से पेपर जमा करना है थाना के सामने, लेकिन उस दिन भी वो लोग पेपर नहीं जमा किया। और आज 25 तारीख को जब हम लोग माफ़ी करने के लिए उतरे तो लगभग 250 से 300 लड़का और आपका जाकर के 100 लगभग महिला को लेकर के कमल सिंह और वहाँ का जो किशोर भुइयां था, चेतन भुइयां था, राजू यादव था, टुकन था, वहाँ बहुत सारा नाम जो है सो हम लोग नहीं जानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं, अचानक पथराव कर दिया, जिसका साक्ष वहाँ सरकारी अमीन खुद है और पुलिस प्रशासन के लोग खुद है। कितना जमीन है वहाँ आप लोग? वहाँ पर टोटल 110 कट्ठा या लगभग उससे आसपास के बाद क्लियर होगा, इसलिए हम लोग सरकारी अमीन बहाल वहाँ। तो आप यहाँ आपके तरफ से आवेदन दिया गया है थाना में इस विषय को लेकर जो मारपीट? देखिए थाना के हम लोग आज से एक साल पहले भी आवेदन दिए थे कि वो लोग बनवासी कर रहा है, आज से एक सप्ताह पहले भी आवेदन दिए कि वो लोग बनवासी कर रहा है, और फिर हम लोग आवेदन दिए कि बनवासी कर रहा। आज सबके सामने ये हो गया कि जितना भी सरगना का अगर वहाँ पर कोई रचा है खेल तो कमल सिंह रचा है। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम लोग न्याय उचित कार्रवाई की मांग करते हैं और हम लोग का जो जमीन है उस पर हम लोग काबिज रहे हैं, यही मांग करते हैं। तो आज का न्याय 2004-05 से चल रहा है और इसका थाना में इसका पेपर भी गया था, थाना में पूछा गया था कि किसका क्या न्याय है। किशोर की तरफ से हमें बोल रहे हैं कि खतिया इसका खतियान है और इसका रजिस्टर का डिमांड है। बिल्लू भगत का कहना है कि इसका खतियान इस्तीफा हो चुका है और इस्तीफा हो गया वो बंदोबस्ती, मतलब डिल्लू भगत दावा कर रहा है कि हमको मिला है। तो हम लोग का यही कहना है कि अगर वो बंदोबस्ती लिया है वो खतियान का इस्तीफा दिखा दे वो और वो अपना जमीन अपना घेर ले। ये कितना जमीन है? 50 डिसमिल।
मामला चल रहा है 50 डिसमिल। आज प्रशासन को आप लोग इस बात को अवगत कराएं। हाँ अवगत कराएं। क्या बोल रहा हूँ वो बोलता है ना आपका जाली कागज है। जाली कागज कितना बार सुरेश राम जी खुद बोला हुआ सीओ को बुलाता नहीं। कब का जमीन है ये आपका? ये तो मतलब खतियान बाबू दादा का, लेकिन हम लोग लड़ाई झेल रहे हैं 2004 से 2005 से। क्या मांग करते आप लोग प्रशासन से? हाँ ना इसको धमकी भी दिया बोला अगर आगे बढ़िया से आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम गुंडागर्दी से घरा लेंगे। कुछ इसका एक पेपर भी दिया था जिससे उन्होंने किया। माफी के लिए कितना लोग आए थे? 500 आया था। 500 लेकर आया। और उसके बाद हम बीच में बात कर रहे थे कि देखिए जो सच है वो सच्चाई पर आई और जमीन आप ले लीजिए। पिता तो गिरा दिया चुका था, पिता फिर मना कर दिया। पथराव भी हुआ था क्या? हाँ पथराव उधर से हुआ था। उधर से पथराव किसी को मेरा पुस्तैनी जमीन था क्योंकि उसमें से हम बहुत जमीन बेचे भी हैं। जो बैलेंस बचा उसको सरकारी जमीन द्वारा नापी करा रहे हैं। 21 तारीख को नापी का डेट हुआ था तो उसमें राजू यादव टाइम लिया थे, लिखित टाइम लिया। 25 तारीख को आइएगा, मेरे घर में शादी है। आज 25 तारीख को सरकारी जमीन फिर उतरा था, नापी एकदम आराम से हो रहा था, मिलान उलान सब कर रहा था। उसको उसकी बीच में कागज जमा करना तो नहीं किया था अंचल। उसके बाद जब नापी कर रहा था तो उसमें वहाँ पर ईटा पत्थर सब जुगाड़ करके रखे हुए थे गढ़ा में। तब हम लोग अपना नापी कर, हम लोग खड़ा थे अपना, हम ही नापी कर रहा था। 3-4 लड़का फीता तो पकड़ ले हुए था। उसके बाद नापी होते होते उधर से कमल सिंह आके खड़ा हो गया, उसमें हॉट टॉप करने लगा एसआई के सामने, धक्का मुक्की भी किया और पीछे से फिर ईटा पत्थर चला। किशोर भुइयां राजू यादव, किशोर भुइयां का कागज 2004-05 में खरीद हो गया एलआर कोर्ट से। नौकराना कागज लेके घूम रहा है, जाली रसीद लगाया है, उसका भी सत्यापन करके थाना में दे दिया। थाना भी इंक्वायरी कर लिया। कितना जमीन है वहाँ पर आपका? अभी मेरा वहाँ पर 100 के आसपास जमीन है, 110 का। हाँ तो वहाँ आरोप ये भी लग रहा है कि वहाँ पर 200 गुंडा बुलाकर आप लोग एक नवनिर्मित मकान में आप लोगों को रखे थे। सरकारी अमीन उतर रहा है, थाना सामने खड़े, तो हम गुंडा क्यों बुलाएंगे? जमीन मेरा, गुंडा हम कहें बुलाएं? वो तो वहाँ का बताएगा वहाँ पर उतना लेडीज कहाँ से आ गई है, हम यहाँ से गुंडा नहीं ले जाएंगे। उनके द्वारा कहा गया कि इनके पास कोई पेपर नहीं, इसके बावजूद भी पैसा देकर बिना पेपर का सीओ ऑर्डर करता है क्या? नापी का बिना रसीद का LPC है, उसमें LPC बना हुआ है, उसमें जमीन हम बेचे हैं, ऐसे थोड़ी दे रहा है। वो कागज कहाँ जमा कर रहा है? हम लोग कुछ नहीं है, कागज वही जमा कर दें।